सब सामान या 20 तोले सोना चढ़ाया वो भी सब उतार के मुझे मारपीट के घर भेज दिया। अब भी यूँ कह रहा है कि अपनी जमीन बेचो, घर बेचो, दिल्ली में घर लूंगा, 20 लाख और चाहिए मुझे, भाइयों से ले लो। हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, इस लड़की के साथ बहुत बार मारपीट कर चुका है, वो बार बार पैसे की मांग करता है। 12 फरवरी में निकाह हो गया, 12 फरवरी में कर लिया। अच्छा, निकाह हो कर लिया जी, निकाह कर लिया और 12 फरवरी में बिना बताए रुखसती आज 15 तारीख को हो रही है। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के चिलगढ़ तिराहे के पास में यूनिक मैरिज होम के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और एक यहाँ पर बहन पहुँची हुई है। इनका कहना ये है कि ये पहले से शादीशुदा हैं और इनका जो दूल्हा है, इनका जो पति है, वो दूसरी शादी करने के लिए इसी मैरिज होम में आया हुआ है। क्या क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम अकीला है, मैं जहांगीरपुर से आई हूँ, बेटी हूँ वहाँ की। यहाँ शादी हुई है मेरी चंदेरू, उसका नाम राशिद है, उसको सजा मिलनी चाहिए। वो दूसरी शादी क्यों कर रहा है वो मेरे बाबू? आज बारात आई है उनकी। जी, बारात आ रही है आज। अच्छा, आ रही है रास्ते में, लड़का आया था और यहाँ हमें देख के भाग गया। अच्छा, दूल्हा भाग गया। जी जी, हमें उसको इंतजार है। शादी कितना समय हो गया आपकी? 6 साल हो गए, 2018 में हुई थी। 2018 में बच्चे भी हैं? मेरा एक बेटा है 4 साल का, 5 साल का मेरा बेटा है। तो आप मतलब दोनों अलग अलग रह रहे थे, कैसे ऐसे पता नहीं चल पाया? उसने दिल्ली में रहता है, मैं चंदेरू में रहती थी। मार पिटाई कर यहाँ सास नंदो ने मुझे बहुत सताया, बहुत मारा। बार बार मैं आती हूँ यहाँ से भगा देता है, वही लड़ती है और वो वहाँ रहता है दिल्ली में। अच्छा। आज वो शादी करने के भी आ रहा है मेरा। अच्छा, सामना आपस में विवाद चल रहा था, मुकदमा वगैरह चल रहा है, मुकदमा डाला हुआ है। जी जी। और अब आप से बिना तलाक लिए ही वो शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, तो आप इनकी मम्मी है? जी, हमारी मम्मी है। आप लोगों को पता नहीं चल पाया शादी? पता नहीं चली, पता पड़ी है, किसी ने बताया, दिल्ली से खबर मिली है कि राशिद दूसरी शादी क्यों कर रहा है, तुम्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? पहले तुम मैं अपना हिसाब तो करो, जब भी तो वो करेगा शादी, उसे कैसा हक है दूसरी शादी करने का? आप भाई हैं? हाँ भाई, ये मेरे भाई हैं। बिना बताए हमें कहीं सूचना मिली थी कि 12 तारीख को उसका निकाह हुआ है। आज उसकी रुखसती है, हमें पता लगी तो हम यहाँ पे आ गए उससे देखने को, वो दूर से दूर ही भाग गया। हमें पता लगी ना, हम यहाँ आए तो भाग गया। अच्छा, भाग गया। हाँ, हमारा मुकदमा चल रहा है 4 दिन में, कोई वो नहीं, डिवोर्स भी नहीं हुआ है। अब यहाँ इन लोगों को झूठ बका दिया कि मेरा डिवोर्स हो गया। अच्छा, झूठ बोल दिया? हाँ, इन लोगों को पता नहीं है, लड़की वालों की तो कोई गलती नहीं है? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। ये बेकसूर है, इनका कोई कसूर नहीं है, उसको ही पकड़ो, उसे सजा मिले। और आप कंप्लेंट की है? जी जी, करिए करिए, कोई भी सुनना नहीं, कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे। वहाँ यही बात आई कि वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हम यहाँ जानते नहीं, तो अब कह रहे हैं कि और लड़का आ जाए तो उसे यहीं आन के बैठ के बात करेंगे, और वो लड़का भाग गया। हम इंतजार, दूल्हा यहाँ पर पहुँचा तो था, मगर जैसे ही पूर्व पत्नी को देखा, देखते ही यहाँ से वो रफू चक्कर हो गया, फिलहाल वो भाग चुका है। बारात आ गई उनकी यहाँ पे? आई थी बारात, आई थी, सब चले गए, हमें देख के सब आए हुए यहाँ पे जहांगीरपुर से, जहांगीरपुर से सब आए हुए, तो मैं क्यों जाऊँ, भाग गए वो। तो विवाद आपका किस बात को लेकर चल रहा था जो आप इतनी नौबत आ गई कि वो दूसरी शादी करने लगा और मांग कर रहा है? मैंने सब, जबकि 25 लाख में शादी करी, हमारे 2 गाड़ियां दी हैं, एसी दिया, सब सामान दिया, 20 तोले सोना चढ़ाया, वो भी सब उतार के मुझे मारपीट के घर भेज दिया। अब भी यूँ कह रहा है कि अपनी जमीन बेचो, घर बेचो, दिल्ली में घर लूंगा, 20 लाख और चाहिए मुझे, भाइयों से ले लो। है की जमीन बिकवा के मुझे काम करने के लिए पैसे चाहिए, इसने नहीं दिए तो इसके मारपीट करके इसे जमीन भगा रखी है। अब जो हमने कही भी है तो कहता मैं घर बना लूं, ये बना लूं, वो ना काम नहीं है, लेकिन वहाँ अय्याशी कर रहा है गाजीपुर में। गाजीपुर में रहता है वो, मुल्ला कॉलोनी, मुल्ला कॉलोनी गाजीपुर दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली में मुल्ला कॉलोनी गाजीपुर वही रहता है वो। यहाँ उसका एक बात बताइए, इतने दिन से रिश्ते की बात चलती है, बहुत कुछ होता है, आपको आपको पता नहीं चला? पता चला नहीं। अब कैसे पता चला? 5 दिन पहले हम कसाई बाड़े की भाभी हैं, भाभी आई थी यहाँ पे, बेटे की जन्म पत्री बनवाने आई थी बुलंदशहर सुधीर के, तो वो जन्म पत्री के बनाने के बाद जब ही सबने कहा था कि तो तुम तो जहांगीरपुर की है, बुलंदशहर तुम्हारा राशि तो शादी कर रहा दूसरी, हमने सोचा क्यों कि कोई बात नहीं, अभी हिसाब करा नहीं, कुछ नहीं करा, छोड़ा नहीं है हमें, ऐसे कैसे कर सकता है वो, तो यहीं से ही करा था उसने। फिर हमें पता पड़ी, हम आए, ये बाबू जो सुनने के बाद, सुनने के निकाह का पेपर भी आएगा, सुनने के बाद आपके पास क्या सबूत है आपके निकाह का? उसका निकाह दूसरा, दिखाना भाई, 12 फरवरी, 12 फरवरी में निकाह हो गया, 12 फरवरी में कर लिया। अच्छा, निकाह हो कर लिया? जी, निकाह कर लिया और 12 फरवरी में बिना बताए रुखसती आज 15 तारीख को हो रही है मैरिज होम में। तो आप कुछ नहीं कर पाए, निकाह तो हो गया, तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं, नहीं। अब तो रुखसती तो घर से भी कर देंगे ना, अगर निकाह नहीं हुआ होता तो आप निकाह रुकवा देते? वालों ने, लड़की वालों ने मना किया कि हम रुखसती नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, जो पहले वो आए, लड़की वाले कह रहे हैं बात करेंगे, हाँ कह रहे हैं वो,
यानी कि दुल्हन वालों को भी पता नहीं था जो आज यहाँ जिनके बारात आ रही है। जी, दुल्हन वालों को भी पता नहीं था, इनकी भी गलती नहीं है। वो आज कर रहा है तो वो कह रहे तुम पकड़ लो इनको, हाथ आए तो हम देंगे इंसाफ। जहाँ बारात पहुँची है उस दुल्हन पक्ष को भी मालूम नहीं था, यानी बेटी वालों को पता नहीं था कि जो दूल्हा है वो पहले से शादीशुदा है, और शादीशुदा होने के बावजूद भी वो बाकायदे यहाँ पर धूमधाम से बारात लेकर पहुंच गया। तो ये लोगों ने क्या दहेज वही दिया इन्होंने भी? नहीं ये पता नहीं, वार्ड नंबर 20 पहले पहुंचा दिया, वार्ड नंबर 20 के मुझे मिले सभा साथ, उन्होंने गारंटी ली है कि हम रुख्सत नहीं होने देंगे। अच्छा। पहले आपको बुलाया जाएगा जब रुख्सत होने करवाएंगे। भाई हैं आप भी? जी मैं भी भाई। आपको पता लगा कि शादी में क्या दिया इन्होंने? क्या असल में क्या है कि हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, इस लड़की के साथ बहुत बार मारपीट कर चुका है, वो बार बार पैसे की मांग करता है। आज हम लोग जेल चौकी में फिर पहुंचे, चौकी इंचार्ज साहब हमें गुमराह करते रहे, जबकि मुझे लग रहा है कि उनके भी संज्ञान में था आज कि उसकी दूसरी शादी हो रही है। वो हमें वहीं गुमराह करते रहे, वहीं पे हमारे पास फिर एक गुप्त फोन आया कि आज तो उसकी बारात आ रही है। जब हम भाग के यहाँ लोग आए हैं और उसकी बारात हमने यहाँ देखी, हमें देख के वो पूरी बारात के साथ भाग गया है। पूरी बारात ही भाग गया? जी पूरी बारात के साथ भाग गया। हाँ, बारात यहाँ पर पहुँचती है, दुल्हन को पता नहीं था जो पहले से शादीशुदा था वो दूल्हा। बारात यहाँ पहुँच गई, दूल्हा यहाँ पहुँच गया, मगर जैसे ही इन्हें पता चलता है कि मेरे जो पति है उसकी दूसरी शादी आज हो रही है, यहाँ अपने परिवार के साथ ये लोग पहुँच जाते हैं, और पहुँचते यहाँ भगदड़ मच जाती है। अब ये गेट पर यहाँ खड़े हुए हैं, ये यूनिक मैरिज होम है जिसके गेट पर इस वक्त ये परिवार के लोग अपने खड़े हुए हैं। और जो बहन, क्या नाम है आपका? अकीला नाम है मेरा। अकीला, अकीला अपने भाइयों के साथ यहाँ खड़ी है कि दूल्हा यहाँ अगर आता है तो यहाँ उसको यहीं पकड़ लिया जाए, मगर यहाँ से फिलहाल वो लोग सब फरार हो चुके हैं। और कुछ जिम्मेदार लोगों ने ये गारंटी ली है, और लड़की वालों ने भी गारंटी ली है कि जब तक कि पूरा मामला समझ में ना आ जाए तब तक हम कोई विदाई नहीं करेंगे। दूसरे पक्ष से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उन लोगों को मालूम नहीं था, या मालूम था पहले से वो जो दूल्हा यहाँ आया था शादीशुदा था कि नहीं। सर आपको मालूम था, क्या नाम सर आपका? मैं वार्ड 37 से पार्षद हूँ, अकरम अली। हाँ, और मेरी वार्ड का जो मामला है, और मेरी पड़ोसी है और भाई है मेरे ये जी। और आपके कहने से मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, और मेरी कोई जानकारी में ये थी नहीं, ऐसा कोई उसने निकाह किया है, और यहाँ लड़का वो मौजूद भी नहीं है। और हमने उनसे लड़की वालों से ये किया है, अगर लड़का यहाँ पे आएगा तो हम उसकी हमारी जिम्मेदारी है उस लड़के को आपको सौंप देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, यह लड़के नहीं है ना कोई शादी हो रही है। आप भी वार्ड मेंबर हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से आपकी बिरादरी का भी मैटर है, पहले से लड़का शादीशुदा है और बिना बताए अगर वो शादी कर रहा है, सही है गलत है? पहली बात थी कि यही नहीं पता कि यहाँ पर बारात दो आ रही है, एक बारात आ रही है सिर्फ यहाँ पर, उसमें कर रहे हैं दो आ रही है। अगर दो होती तो दोनों तो होते यहाँ पर, यहाँ एक ही है सिर्फ। अगर दूसरा आएगा, अभी जो दूसरे पक्ष के लोग लेडीज थी वो आई थी, उसको हमने कहा था अगर वो आता है पूरा न्याय दिलाएंगे, पूरा हाथ में वहीं बिठा लेगा, सारी बात हम कराएंगे। तो ये लड़की वाले क्या कह रहे हैं, इनको मालूम था पहले से? नहीं मालूम, ये तो खैर मालूम नहीं है, नहीं है ये तो इन्हें मालूम है। हाँ। बाकी जहाँ तक हमें मालूम है हम वो बता रहे हैं। क्या कहेंगे मामा? हमने ये कहा था, हम बेटी वाले थे, हमने ये कहा था अगर आप हम तक गलत के साथ नहीं है, अगर आपकी बेटी के साथ गलत हुआ तो हम नहीं कर रहे उनसे शादी, हम इंसाफ दिलाएंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे, हम अपनी बहन के साथ ही नहीं करेंगे। चलिए खैर, दूसरे पक्ष को भी हमने जान लिया है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है।